हाय हेलो फ्रेंड, आज पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी बताऊंगी और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे मेरी कोई भी रेसिपी आती है, कोई भी वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं जो आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजती हूँ, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। और इसके लिए लौकी लेंगे हम, लौकी को जो है छील लेंगे और छील कर अच्छे से इसको ग्रेट कर लेंगे धुल करके। और लौकी जो बच्चे नहीं भी खाते हैं वो भी खाने लगेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। इसको चाय के साथ नाश्ते में लीजिए या शाम को नाश्ते में लीजिए। इसके लिए हमने आलू को ग्रेट कर लिया, उसको पानी अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद हमने इसी तरह से प्याज को भी ग्रेट करके इसी में डाल लेंगे। अच्छे से पानी हम गार के निकाल लेंगे क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। उसके बाद हमने ये लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था। उसके बाद आप चाहें तो पेस्ट बना लीजिए या ऐसे ही मोटा कूट लीजिए। उसके बाद हम इसमें भुना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून डालेंगे और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल देंगे और थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे। उसके बाद बेसन डाल देंगे, बेसन हम उतना डालेंगे, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, बस बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये पानी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और उस तरह से हम अच्छे से इसका मिक्स कर लिए हैं जैसे पकौड़ी का बनाते हैं बैटर, आप देख सकते हैं इस तरह से पकौड़ी की तरह हम इसको, तेल हमारा गर्म था उसमें हम पकौड़ी की तरह इसमें डाल दे रहे हैं और इस तरह से कुरकुरा इसको तल लेंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट भी बन जाता है। और बच्चे को लौकी नहीं पसंद है, लौकी बहुत अच्छी हमारी हेल्थ के लिए होती है तो बच्चे वो भी खाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।